अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन ताशिफाई यूट्यूब चैनल। और इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की हैं अबाउट लाइफस्टाइल इन स्वीडन और बहुत सारी यूज़फुल टिप्स मैंने पोस्ट की हुई हैं। अच्छा, आज की वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा क्विक सा मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्वीडन के अंदर 2022 के अंदर वेजेस क्या चल रही हैं। उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी वेबसाइट है जिस पर आप जाकर ख़ुद से चेक कर सकते हैं कि अगर किसी भी प्रोफेशन के अंदर जो वेज है वो कम से कम कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है। इसका नाम, इस वेबसाइट का नाम है union.sc unionen.sc। और इसको मैंने, यहाँ पर जाके आप अपना सारे के सारे कैरियर चेक कर सकते हैं। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती है कि स्वीडन में जो वेजेस हैं वो क्या हैं डिफरेंट जॉब टाइटल्स की या कैरियर्स की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन सारे के सारे जैसे सेल्स मैनेजर, लॉजिस्टिशियन, उसके बाद आपके पास किचन मैनेजर, आपके पास कॉपीराइटर। तो हम इधर से ले लेते हैं, एक फार्मासिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे, आईटी खेफ बोलते हैं, आईटी चीफ, आईटी मैनेजर को उठा लेते हैं, प्रोग्राम मैनेजर ले लेते हैं। उसके बाद हम और कौन कौन सा, अकाउंट असिस्टेंट ले लेते हैं। और नीचे आ जाएं तो मार्केटिंग वाली साइड पे मार्केटिंग असिस्टेंट, मार्केटिंग डायरेक्टर, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, एचआर डायरेक्टर, होटल मैनेजर। उसके बाद मैं आपको इनके सारे अभी दिखाता हूँ सैलरीज। ग्राफिक डिज़ाइनर की क्या सैलरी है, रियल इस्टेट एजेंट की क्या सैलरी है, प्रॉपर्टी मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, उसके बाद परचेज़र की क्या सैलरी है यहाँ पर, और फिर प्रोडक्ट मैनेजर देख लेते हैं, उसके बाद वेब एडिटर, और डेंटल टेक्नीशियन, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट हाइजीनिस्ट। उसके बाद आप आ जाएं जी प्रोडक्शन मैनेजर देख लेते हैं, आईटी आर्किटेक्ट देख लेते हैं, और बिजनेस डेवलपर देख लेते हैं। तो चलें जी पहले जाके देखते हैं एप्पोटेक क्या सैलरी ले रहा है यहाँ पर जो फार्मासिस्ट है। अगेन मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ इंग्लिश में। जो आपका फार्मासिस्ट है वो 37,000 से 48,000 तक जा रहा है। और यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ कि अगर आप हायर साइड पे हैं तो क्या स्किल्स होने चाहिए, किन वजह से, किन ऑप्शंस की वजह से आपको हाई साइड पे सैलरी मिलनी चाहिए, और अगर आपको कम सैलरी मिल रही है तो उसकी क्या वजह हो सकती हैं। अच्छा जी, ये है जी फार्मासिस्ट 37 से 48। अब हम चलते जाते हैं आगे। ये है जी आईटी मैनेजर 56 से अपवर्ड, जहाँ अब डिपेंडिंग ऑन द आपका जो एक्सपीरियंस है, तो 56 से स्टार्ट होता है आईटी मैनेजर। उसके बाद, और ये सारी इन बिफोर टैक्स मैं बता रहा हूँ, इसके बाद टैक्स के बाद अगर किसी की 56 सैलरी है तो उसकी एक वेबसाइट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, लर्न आफ्टर स्कैप, तो ये आपके पास recna.net खुल जाएगी एक वेबसाइट। इसके अंदर आप अगर किसी की 56,000 सैलरी है तो, और वो कहाँ पर रहता है, लेट से स्टॉकहोम, और यहाँ पर स्टॉकहोम की कौन सी कम्यून आप सेलेक्ट करेंगे, और आप तो आपको जो रिसीव होगी वो 39,673 होगी, और ये उसका ब्रेकडाउन है। एनीवेज जी हम आगे चलते हैं। हमारे पास प्रोग्राम मैनेजर जो है वो 45 से 75,000 तक जा रहा है। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो हमारे पास जो अकाउंटेंट है, अकाउंट असिस्टेंट जो उनसा है वो 29 से 38,000। मुझे हर पेज को आपके लिए ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। तो अकाउंटेंट असिस्टेंट जो एक्सटर्नल है वो 29 से 38 तक जा रहा है। अगेन यू कैन रीड ऑन दिस वेबसाइट बाई ट्रांसलेटिंग, अगर आपने स्वीडिश नहीं सीखी अभी तो, और स्वीडिश ज़रूर सीखें जब आप स्वीडन में आते हैं तो। अच्छा जी, ये मार्केटिंग असिस्टेंट जो उनसा है वो 30 से 37, अगेन आप अगर कोई बंदा 30 ले रहा है, यहाँ पर जाके आप 30 लिखते हैं, 30, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको इन हैंड कितनी आएगी, 23,580।
ठीक है जी, बाकी टैक्स और बाकी फीसेस में कटेंगे आपके। उसके बाद आ जाते हैं जी मार्केटिंग मैनेजर, जो उनसा है मैनेजर लेवल 48 से 62। उसके बाद आ जाएं आपके पास मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, अगेन आपको ट्रांसलेट करके दिखाना पड़ रहा है मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, मैं जल्दी जल्दी बोलता जाता हूँ, और इसमें 32 से 42,000 तक, ये वो है जो एवरेज चल रही है मार्केट में, बाकी आप जो डील करते हैं कंपनी के साथ वो अलहदा से है। एचआर मैनेजर 50,000 से अप है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है होटल मैनेजर 35 से 43,000, और फिर इसका नेक्स्ट लेवल है 45 से अप। तो वो कितना सीनियर है होटल मैनेजर, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है। ग्राफिक डिज़ाइनर 32,000 क्राउन से 42,000 क्राउन, और उसके बाद आ जाते हैं आपके पास जो मैकलरे बोलते हैं, जो रियल इस्टेट एजेंट आप कह लें, वो 38,000 से 62,000 तक जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जी ये भी रियल इस्टेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी डीलर 37 से 54। ये मेरे ख्याल से एवेल्यूएटर की इसमें हम पढ़ लेते हैं कि इसमें और उसमें रियल इस्टेट उसमें क्या फ़र्क था। ये मैनेजर है वो रियल इस्टेट एजेंट है, ऑलमोस्ट सेम सैलरी है रियल इस्टेट के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं आप इकोनॉमी खैफ, आपका जो अकाउंटेंट अकाउंट्स मैनेजर, वो 40 से 60,000 और फिर 58 से अप, डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है, वो बोलते हैं लेवल को, लेवल वन लेवल टू। अच्छा जी, ओए एक मैंने एक्स्ट्रा बंद कर दिया। अच्छा जी, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट मैनेजर 42 से 65। उसके बाद आ जाएं आप वेब, ये लफ्ज़ मेरे लिए भी नहीं आई है जी, इसको देख लेते हैं। वेब डेवलपर है मेरे ख्याल से, वेब एडिटर, ओके 32 से 40। उसके बाद आ जाते हैं जी 10 टेक्नीशियर है, लाइक जो आपके जो वार्ड जो डेंटिस्ट है उस डेंटिस्ट क्लिनिक में 3 डिफरेंट टाइप की जॉब्स हैं, एक तो डेंटिस्ट है जो कि डेंटल डॉक्टर है, एक हाइजीनिस्ट है और एक टेक्नीशियन है। जो टेक्नीशियन है वो 30,000 से 38 ले रहा है, और जो आपका हाइजीनिस्ट है ये डेंटल नर्स जो उनसी है वो 28 से 34 ले रही है, तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। और उसके बाद मेरे ख्याल से मेरे वो जो 10 हाइजीनिस्ट जो उनसा है जो दांतों की सफाई करते हैं वो आपके 33 से 39,000 तक जा रहा है, और मेरे ख्याल से 10 लेकर है मेरी डेंटिस्ट वाली बंद हो गई थी मेरे से गलती से, जो डेंटिस्ट है वो। अच्छा आगे चलते हैं, जो प्रोडक्शन लीड है प्रोडक्शन मैनेजर है वो 37,000 से 49,000। तो आप देख रहे हैं कि जो मैनेजर लेवल की जॉब है वो अराउंड 40 के करीब से 60,000 तक जा रही है, और जो डेंटिस्ट है वो नहीं खोल रहा मेरे पास। आईटी मैनेजर जो सा है आईटी आर्किटेक्ट जो सा है वो 49,000 से 65,000 तक जा रहा है। उसके बाद आपके पास बिजनेस डेवलपर जो उनसा है वो दे रहा है 42,000 से 60,000 तक। आपके पास जो टेक्नीशियन है 10 टेक्नीशियन, अच्छा वो डेंटल को वो टेक्नीशियन ही बोल रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने यही खोला है डेंटल नर्स, और अच्छा डेंटल नर्स को ही वो यहाँ पर डेंटिस्ट लिख रहा है, तो वो जो है आपके पास 28,000 से 34,000। तो ये बड़ी एक यूज़फुल वेबसाइट है उन लोगों के लिए जो चाह रहे हैं कि हमारा जो डिफरेंट करियर है लेवल है उसमें जो करियर है उसमें जो डिफरेंट रोल्स हैं उनकी क्या सैलरीज हैं, तो यहाँ पर जाकर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर ये सैलरीज वगैरह देख सकते हैं, और भी जॉब से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे अवेलेबल होती है जिसको आप जाके पढ़ सकते हैं, आपको आइडिया पता लग सकता है कि किसी भी
और ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है यहाँ पर, किसी भी फील्ड के अंदर कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, तो काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है ये। तो नहीं यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरी दुआ कर दें, और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।